रेड बटन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। हाय एवरीवन, मैं शांति स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल कुक विद एसएस में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि कैसे हम पैन में पिज़्ज़ा बना सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक पैन को हम गर्म कर लेंगे। सबसे पहला स्टेप है हमारा सब्जियों को थोड़ा सा क्रंची करना। तो इसके लिए मैंने पैन में डाला है आधा छोटा चम्मच तेल, और जो भी सब्जियां हम पिज़्ज़ा में यूज़ करने वाले हैं उसी को ही हम थोड़ी देर इसमें पकाने वाले हैं। तो अब मैंने डाला है थोड़ा सा प्याज, थोड़ी सी पीली शिमला मिर्च, थोड़ी सी हरी शिमला मिर्च, और इन्हें थोड़ी देर हम इसी तरह से हाई फ्लेम पे पका लेंगे ताकि ये जो सब्जियां हैं थोड़ी क्रंची सी हो जाए। ये देखिए, तो अब यहाँ पर मैंने लिया है एक पिज़्ज़ा बेस, और इसके ऊपर हम लगाएंगे अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस। ये मैंने घर पर ही बनाया है, रेसिपी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और जो पिज़्ज़ा बेस है वो भी आप घर पे बना सकते हैं अगर आप मार्केट से नहीं ला रहे हैं तो। और अगर आप सीखना चाहते हैं कि पिज़्ज़ा बेस कैसे बनाते हैं घर पर, तो आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा, तो मैं उसकी रेसिपी भी आज जल्द ही अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए। तो अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस को हम इस पर लगा लेंगे। अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है आप टोमेटो सॉस भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से लग जाएगा तो हम इसमें डालेंगे चीज़। अच्छे से चीज़ को हमें इसमें डालना है, काफ़ी चीज़ी पिज़्ज़ा बनना चाहिए तो उसके लिए हमें खूब सारा चीज़ इसमें डालना है। और हम यहाँ पर मोज़रेला चीज़ यूज़ करने वाले हैं जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, तो ये मैंने अच्छे से इसमें डाल दिया है। और अब जितनी भी सब्जियां आप इसमें लगाना चाहते हैं वो आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च और प्याज को थोड़ा फ्राई कर लिया था, थोड़ा सा उसने क्रंची कर लिया था, तो वो मैं यहाँ पर स्प्रेड करके इस तरह से लगा लूँगी। पिज़्ज़ा में कौन सी सब्ज़ी यूज़ करनी है ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। आप इसमें जो सब्ज़ी लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, जो नहीं आप खाना चाहते उसे हटा सकते हैं। तो ये मैंने अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, और अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी उबली हुई कॉर्न। थोड़े से ऑलिव्स, थोड़ा सा ऊपर से मैंने डाला है इसमें नमक, और अब इसमें डाला है मैंने चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा ऑरिगेनो। तो ये पिज़्ज़ा हमारा अब बिल्कुल तैयार है पैन में जाने के लिए, पर ऊपर से इसके हम थोड़ा सा और चीज़ डाल लेंगे। तो ये पैन में इसे डाल लेती हूँ मैं। अब गैस का फ्लेम लो करके हम इसे गैस पे रख लेंगे, और इसे ढककर हमें पकाना है अब ताकि इसकी चीज़ जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो करीबन 3 से 4 मिनट में इसकी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाएगी, अगर नहीं तो आप थोड़ी देर और पका लें। तो ये देखिए मेरी चीज़ बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है पिज़्ज़ा में। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और मैं इसे आपको काट के दिखाती हूँ। पिज़्ज़ा कटर से या चाकू से आप जैसे भी इसे काटना चाहें आप इसे काट सकते हैं। बाहर से पिज़्ज़ा लाने से बेटर है कि आप बच्चों को घर पर ही बना के दें। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा और अपने व्यूज़ मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।